एक बार फिर निरहुआ ने अखिलेश को निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश जिन्ना की विचारधारा वाले हैं वो क्या करेंगे। असल में आजमगढ़ पहुंचे भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एक बार फिर जिले में अपनी सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है और निशाने पर फिर से अखिलेश यादव हैं। निरहुआ ने कहा, साल 2019 के चुनाव के समय ही मैंने कहा था कि अखिलेश कहते थे आजमगढ़ और इटावा मेरा घर है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी आजमगढ़ को छोड़ सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आजमगढ़ को छोड़कर चले गए। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश सांसद रहकर भी कुछ नहीं करते थे, इसलिए उनके छोड़ने से भी जिले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, निरहुआ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जिन्ना की विचारधारा पर चलने वाला भी बताया और कहा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की विचारधारा पर चलने वाले अखिलेश अपनी पार्टी और अपने घर परिवार के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन्ना ऐसे थे जो पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का ही बंटवारा करा दिया, ऐसी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति अपने घर परिवार और देश का क्या भला करेगा। आपको बता दें, भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने उन्हें आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जीत मिलने के बाद उन्होंने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, तब से ये सीट खाली है। वहीं जब गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे दिनेश लाल यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर वार किया। अखिलेश ने लालच में आकर आजमगढ़ छोड़ दिया। निरहुआ ने कहा, अखिलेश यादव ने लालच में आकर आजमगढ़ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, आजम खान पर हुई कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव के द्वारा चुप्पी साधने पर भी दिनेश लाल यादव उस निरहुआ ने तंज कसते हुए कहा कि वो अखिलेश को जितना जानते हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक बार पिता मुलायम और चाचा शिवपाल की वजह से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी उनके दिमाग से मुख्यमंत्री पद नहीं उतरा है और वो उसी तेवर में रहते हैं।